वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करती हुई नजर आईं। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है। वित्त मंत्री ने इस बार छठा बजट सदन में पेश किया। मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरे वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। तो चलिए जानते हैं कि बजट 2024 में देश को क्या क्या मिला। देश में करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में 3 गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। करदाताओं का योगदान देश के विकास में काम आ रहा है। करदाताओं की सराहना करते हैं। सरकार ने कर दावों को कम किया है। लागू हो चुकी नई योजना के तहत 7 लाख रुपए तक अब कोई कर नहीं है। कॉरपोरेटिव टैक्स में कम हुआ है। नए फार्म 26 ASA टैक्स फाइनल करना अब आसान हो गया है। देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। Tier 2 और Tier 3 शहरों को उड़ान के तहत विस्तार दिया जा रहा है। देश की विमान कंपनियां 1000 नए विमान खरीद रही है। रेलवे के लिए खास ऐलान किए गए। 3 रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। 40,000 सामान्य बोगी को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा सहूलियत को बढ़ाया जा सके। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान के तहत कुछ नया करने की कोशिश। नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का नारा दिया। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए स्वर्णिम दौर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र को मदद भी मिलेगी। महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान। 9 करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्व सहायता समूह अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद मिली है। लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐलान। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समय योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। मध्यम वर्ग को आवास देने की तैयारी। मध्यम वर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने का मौका बना रहेगा। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इसमें 2 करोड़ आवास अगले 5 सालों में बनने जा रहे हैं। 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली। रूफटॉप और सौर ऊर्जा से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने और सौर ऊर्जा के जरिए मिल जाएगी। 15,000 से 18,000 रुपए की बचत होगी। ई व्हीकल की चार्जिंग के लिए बड़े पैमाने पर इंस्टॉलेशन होंगे। इससे वेंडरों को भी काम मिल जाएगा। 38 लाख किसानों को PM किसान संपदा योजना से फायदा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिलेगा और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों को भी मदद दी जाएगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जाएंगी। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी फूड का उत्पादन 2 गुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादनता को 3 से बढ़ाकर 5 टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। 5 समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर पर खास ध्यान। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर भारत और दूसरे देशों के लिए भी एक परिवर्तनकारी कदम है। कोविड के बावजूद हमने PM आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 सालों में बनाए जाएंगे। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण से प्रशासन किया है। सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम प्रशासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया। अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाए जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केंद्रित रहेगी। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों पर लगातार आगे काम करेंगे। MSME को सशक्त बनाने जैसे पहलुओं पर नई नीति के जरिए भी काम होगा। 10 सालों में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए हैं। संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले हैं। लोग अच्छे से रह रहे हैं, अच्छी आमदनी कर रहे हैं। औसत वास्तविक आमदनी 50% बढ़ी है। महंगाई दर संभली हुई है। GST ने एक देश, एक मार्केट और एक टेस्ट की धारणा को मजबूत किया। IFSC ने वैश्विक वित्तीय निवेश का रास्ता खोला है।